रुख करते हैं। आज हिमाचल दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सो आपदा प्रभावित इलाकों पर का कर रहे हैं दौरा। कल बैठक में पीएम ने दिए थे निर्देश। सो केंद्र सरकार हिमाचल के लिए पैकेज का कर सकते हैं ऐलान। सो हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। आपदा प्रभावित इलाकों का लगातार उनकी तरफ से दौरा किया जा रहा है। कल बैठक हुई थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके निर्देश भी दिए थे। तो आज केंद्र पैकेज का कर सकती है ऐलान। तो बता दें कि हिमाचल में जो आपदा आई है उसके लिए जो भी नुकसान हुआ है, जिस नुकसान का आकलन किया गया है, तो उसकी सहायता राशि का आज ऐलान हो सकता है। अनुराग, जो आज ऐलान हो सकता है कोई बड़ी राशि, जैसे कि पिछले दिन सीएम सुक्खू ने कहा था कि 2000 करोड़ की सहायता राशि की जरूरत है हिमाचल आपदा से उभरने के लिए, तो क्या कुछ इस तरह का ऐलान हो सकता है और कौन कौन से इलाकों का जो जिनको ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो आज उन्हें 9:30 बजे जो सुबह आए हैं वो सीधा जो है सिरमौर के इलाके में गए, जिसमें जो कच्ची ढांक है वहां पर भी गए। साथ में सिरमौरी ताल है जहां पर 5 लोगों की एक ही परिवार में मृत्यु हो गई थी, जिन लोगों से उन्होंने मिलना था। उसके बाद उनका दौरा सोलन का था, परंतु किसी कारणवश सोलन का रद्द हो गया और अब वो यहाँ से सीधा जो है वो शिमला जाएंगे। शिमला के बाद वो वहां पर कृष्णानगर और स्लॉटर हाउस जो है उन दोनों का दौरा करेंगे, वहां पर लोगों से मिलेंगे। उसके बाद वहां से उनका दौरा जो है वो बाय हेलीकॉप्टर जो है वो बिलासपुर जाएंगे और रोड़ा सेक्टर का जो है वो शाम को वहां पर लोगों से मिलेंगे। उसके बाद अगले कल की अगर हम बात करें, अगले कल उनका सुंदरनगर, मंडी और कुल्लू इस जगह का दौरा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको ये आकलन करना जरूरी है कि क्या स्थितियां जो हैं अभी बन रही हैं, और हिमाचल को सबसे ज्यादा जो इस वक्त जरूरत है वो केंद्रीय सहायता की जरूरत है। क्योंकि बहुत से, जैसे हर्षवर्धन से हमारी पिछले कल बात हुई तो हर्षवर्धन ने भी ये कहा कि अभी तक हिमाचल सरकार को सिर्फ एडवांस किश्तें दी गई हैं जो हिमाचल का पूरा हक था, परंतु अभी तक राहत के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिला, ये हर्षवर्धन चौहान का कहना है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हिमाचल को आपदा की स्थिति में, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपदा घोषित करना पड़ेगा और हिमाचल सरकार को सहायता करनी पड़ेगी, ये केंद्र की तरफ से होना चाहिए। हालांकि हिमाचल के बहुत बड़े जो नेता हैं, अनुराग धूमल और सुरेश कश्यप, ऐसे सारे नेता जो हैं वो बीजेपी के केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से सहायता की जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीद और उनकी हिमाचल पूरा का पूरा हिमाचल अनुराग धूमल की तरफ नजरें लगाए हुए हैं कि किसी तरह से भी उनकी तरफ से राहत जो है वो हिमाचल के लोगों को मिलनी चाहिए। जी, वहां पर अगर हम बात करें लोगों का, वो जो स्थानिक लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर गए हुए हैं, राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है, सो उन लोगों से बातचीत हो पाई है कि क्या कुछ कहना है लोगों का, कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, 9000 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें आंशिक रूप से या पूरी तरह से डैमेज हुए हैं। 11000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं जो कहीं मंदिरों में, किसी के धर्मशाला में या अपने रिश्तेदार के या किसी पड़ोसियों के घर में रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए इमीडिएट रिलीफ के तौर पर सरकार ने यह जरूर कहा है कि 1,00,000 रुपए फौरी राहत दी जाएगी और 1,50,000 रुपए जो है वो जिनका पूरी तरह से नष्ट हो गया उनको मिलेगा। परंतु 1 या 1.5 लाख रुपए, क्या ये सही आकलन है? क्या इतना ही अमाउंट ऐसा है जिससे इसी के साथ केंद्र सरकार की तरफ से, मैं कहना चाहूंगी केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ उन लोगों के लिए ऐलान किया गया है या नहीं? जी नहीं, अभी तक जैसे हर्षवर्धन जी ने पिछले कल जो हमें बताया था कि अभी तक कोई राहत राशि की नहीं हुई है। हालांकि ये जरूर है कि हिमाचल के जो पिछले बैलेंस डेटा थे या जो डेब्ट थे वो देने को बचे हुए थे, जो उन्होंने रिलीज कर दिए। लगभग 300-350 करोड़ रुपए का एक अमाउंट है जो हिमाचल को मिल चुका है, परंतु वो स्थिति ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि जहां पर 10,000 करोड़ की खर्चे की बात हो रही है वहां पर 200 या 300 करोड़ रुपए बिल्कुल भी मतलब सहायता नहीं कर पाएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट है। इसके लिए एक बड़ी राहत राशि की जरूरत है जो कम से कम 4 या 5 हजार करोड़ की होनी चाहिए। जी, अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।